अमित नायक, मैं आपसे आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि आप जो खेल शुरू करते हैं उस खेल में खुद ही फंस जाते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वो याद कीजिए, मौत का सौदागर, नीच जाति, चाय वाला, ये खेल कांग्रेस शुरू करती है, लेकिन बाद में जब जवाब आता है बीजेपी की तरफ से तो आप इस खेल में खुद ही फंस जाते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान करा, थोड़ा के बहुत ज्यादा नुकसान करा है ये औकात वाला खेल जो गुजरात में हो रहा है, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कर रहा है। देखिए ठाकुर जी, गुजरात के चुनाव की बात है तो हम पहले दिन से स्टेट फॉरवर्ड एक मिशन लेके चले कि हम गुजरात के मुद्दों की बात करेंगे। फिर वो बढ़ती महंगाई हो, या युवाओं के बेरोजगारी की बात हो, या गुजरात में जो आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम है, जो युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए उनका शोषण किया जाता है, जो महंगी शिक्षा है, खानगीकरण है, हम इन स्थानिक मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे, आपके डिबेट का आज का सब्जेक्ट है कि कांग्रेस खुद गिर रही है अपने शब्दों। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी शायद वड़ा प्रधान मोदी जी पीएम के पद पर है, तो पीएम की गरिमा क्या होती है वो उनको मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो जाहिर मंच पर से हर बार चुनाव में उनके, अगर उनको सब जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको विकास पुरुष समझते हैं, विकास पुरुष समझ के उनकी कंपेरिजन करते हैं। विकास पुरुष को तो अपने विकास की बात करनी चाहिए। ये कौन सा प्लेटफॉर्म बना दिया आपने, मुझे नीच का, मुझे ऐसा का, मुझे चाय वाला का, ये मुझे बताइए, अरे इस देश में ऐसा कौन सा गरीब है? अमित जी, अगर मधुसूदन मिस्त्री ये बयान नहीं देते कि हम मोदी जी को उनकी औकात दिखा देंगे, ये शुरू तो आपने किया ना, ये आपसे गलती हुई ना, चूक तो आपसे हुई मैं ना, बता आप रहा हूँ, विकास के मुद्दों पे मुझे आप लड़ते ये हैं, महंगाई, बताइए, मुझे बेरोजगारी आप ये पे, बताइए। आपने ये बयान क्यों दे दिया? देखिए मधुसूदन जी ने पूरा बयान, जो पूरा स्टेटमेंट, मैं उस दिन कैंपेनिंग, हमारा मैनिफेस्टो कैंपेनिंग का लॉन्चिंग था, मैं खुद उस प्रेस में था। मधुसूदन मिस्त्री जिसे आपके जैसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, इस बार चुनाव का माहौल क्या है, आपका ये मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो क्या रहेगा, मधुसूदन मिस्त्री जी ने साफ तौर पे कहा कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे गुजरात के, तो किसकी क्या राजकीय औकात है वो पता चल जाएगा। अब उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखना है वो तो अपने नजरिए पे। दूसरी बात, ये देश का पहला ऐसा गरीब प्रधानमंत्री है जो 15 लाख के सूट पहनते, 1.5 लाख की पैंट रखते, 7 लाख का चश्मा पहनते, जो सबको दिखता है। अगर राहुल जी ने खुद ने 20-25 हजार रुपए के जूते पहन लिए तो उसको भाजपा मुद्दा बनाती है। हमने कभी कहा क्यों मुद्दा बनाते हो? जिसको वो लोग बोलते हैं कि आप लोग माले तुझार हो, आप लोग पैसे वाले हो, सहजादे हो, राहुल गांधी को राहुल सहजादा गांधी कहते हैं। 25,000 के राहुल जूते गांधी, पहनते सुनिए हैं? ना ठाकुर साहब, सुनिए, नहीं मेरी नहीं बात तो मैं पूरी होने कैसे ही दीजिए। जनरली पूछ रहा हूं क्या, क्योंकि आप उनके साथ हो सकता है यात्रा में रहे हो, 25,000 के जूते पहनते हैं मैं राहुल बता गांधी? रहा हूँ ना, मुझे सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। जो राहुल जी दिन के 22-24 किलोमीटर पैदल चल रहे, 3,000 किलोमीटर से ज्यादा देश की यात्रा कर चुके, सीधा लोगों से जुड़ रहे, उसको वो सहजादा कहते हैं। हमने तो कभी उस बात को बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से बार बार दोहराया नहीं। उन्होंने एक विधवा माँ को, उसके बच्चे को क्या कहा था जाहिर प्लेटफॉर्म पर से, कि हमने चुनाव में उसके नाम पे वोट मांगे? हमने कब कहा कि मोदी जी ने क्या क्या भूतकाल में क्या क्या बातें कही? एक बार खुद जाहिर मंच पर से मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने बोला ये स्लिप ऑफ टंग है, कभी कभी मेरी ठीक जबान ठीक गुगली डाल देती है। ठीक है, इटालियन लेकिन इटालियन डॉल देखिए किसको कहा था? देखिए, नहीं ठाकुर साहब, इटालियन डॉल इस किसको कहा था इसमें कोई मोदी जी दो ने? राय नहीं कि सियासी जब जंग शुरू होती है, चुनावी जंग जब शुरू होती है, तो आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत आरोप भी लगते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि नहीं, मौत का देखिए सौदागर, चाय वाला, नीच जाति, इससे अगर किसी को सबसे ठाकुर ज्यादा साहब, नुकसान पहुंचा है तो वो कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस वो मैसेज देने में कामयाब नहीं होती जो बीजेपी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि भी मेरी औकात तो सेवा करने की है, आप समझ रहे हैं, ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है आपके बयानों में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।